बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सबीहा किचन फूड सीक्रेट। आज मैं बनाने लगी हूँ कीमा आलू। ये बहुत ही सादा डिश है मगर घर में सबको पसंद होती है। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ये जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। चलें तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सबसे पहले हम डेगची में ऑयल डालेंगे। हाफ कप ऑयल लिया है। दो बड़े साइज की प्याज है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। दरमियाने साइज की है तो तीन ले लीजिएगा। फ्लेम ऑन करेंगे। अब प्याज को हमने लाइट गोल्डन करना है। प्याज गोल्डन फ्राई होना शुरू हो गई है, ये देखिए लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं कीमा डालूंगी। आधा किलो कीमा है, ये देखिए ये आधा किलो कीमा है। इसको मैंने धो के इसका पानी ड्रेन कर लिया है, छन्नी में रखा था, बारीक छन्नी में। साथ ही इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। फ्लेम हाई है इस टाइम पर, मैंने कीमे को भूनना है अदरक लहसुन के साथ। तकरीबन 3-4 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भूनते हुए। अब इसके अंदर मैं साबुत गरम मसाला ऐड करूंगी। ये 1 बड़ी इलायची है, साबुत जीरा है इसके अंदर 1 टेबल स्पून, 3 से 4 दाने इसके अंदर हैं लौंग के, काली मिर्च और दालचीनी। 2 दरमियाने साइज के टमाटर हैं चॉप किए हुए, रफली चॉप किए हुए हैं, ये डालेंगे। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून नमक, नमक हसबे ज़रूरत है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 3 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने काट लिया है। क्योंकि हमारा कीमा यहाँ पर बारीक पिसा हुआ है तो इसको हमें ज़्यादा भून गलाने की ज़रूरत नहीं है। जो मोटा कीमा होता है उसके लिए हमें पानी डाल के रखना पड़ता है कि वो गल जाए थोड़ी देर के लिए, तो ये भूनने में ही गल जाता है। टमाटरों को इस तरीके से चम्मच मार के नरम कर लें। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून दही ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून भर के डालना है हमने दही डाल के। हम इसको दोबारा भूनेंगे। दही डालने के बाद तकरीबन हमने इसको 5 मिनट जरूर भूनना है। दही डालने के बाद मैंने इसको भून लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 आलू डालूंगी। बड़े साइज का आलू लिया है मैंने ये, और इसको मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया है। 1 से 2 मिनट तक हमने इसको भूनना है आलू डालने के बाद। आलू कीमा हमारा भून चुका है। अब इसके अंदर मैं आलू गलने के लिए 1/2 कप पानी डालूंगी। इसके अंदर 1/2 कप पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया और अब मैं इसको ढकने लगी हूँ। आलू हमारे छोटे क्यूब्स में कटे हुए हैं तो मैं इसको 10 मिनट के लिए ढकूंगी और आलू हमारे गल जाएंगे। तो अब 10 मिनट के बाद मिलते हैं। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। मेरे लिहाज से इसके अंदर इतनी ग्रेवी ठीक है। अगर आप यहाँ पर और ज्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो आप इसके अंदर 1/2 कप पानी और डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला डालूंगी पिसा हुआ। गरम मसाला डालने के बाद अब मैं इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी। अगर आप चाहें इस टाइम पे इसके अंदर हरी मिर्चें भी काट के डाल सकते हैं और बारीक अदरक भी काट के डाल सकते हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। कीमा आलू बन के तैयार हो गया है। यकीन जाने बहुत मज़े का बना है। आप इसके साथ तंदूर की खमीरी रोटी या घर की बनी हुई चपाती सर्व कर सकती हैं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।